तो आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें वापस से एक फ्रस्टम दे रखा है जिसके अंदर से हमारे पास करंट पास कर रहा है। तो पूछ रहा है कि वन और टू में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एट वन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स टू के बीच में क्या रिलेशन होगा, कि क्या ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एट वन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एट टू बराबर होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो पॉज कीजिए वीडियो ट्राई कीजिए। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा ही था कि अगर एरिया डिक्रीज हो जाए, अगर एरिया डिक्रीज हो जाए हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, उसकी ड्रिफ्ट लॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, उसको काउंटर बैलेंस करती है। तो काउंटर बैलेंस करती है तो करंट तो सेम रहेगा। तो आई वन एंड आई टू तो यहाँ पर सेम रहेंगे, और आई वन आई टू सेम रहेंगे तो यहाँ पर एन और एन टू जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं वो भी इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़ निकल के है कि ये तो चलो आपको पता ही है पहले कि वी डी वन इज़ ग्रेटर देन बी डी टू, वी डी वन इज़ ग्रेटर देन बी डी टू। तो नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है कि सिग्मा, सिग्मा वन, सिग्मा एट वन एंड सिग्मा टू में क्या रिलेशन होगा। हाँ जी, कनेक्टिविटी एट वन एंड कनेक्टिविटी एट टू में क्या रिलेशन होगा। तो हम अगर किसी को आता है तो ये ट्राई कीजिए। ओके, तो सिग्मा का हमारे पास रिलेशन हमें पता ही है, सिग्मा का रिलेशन हमारे पास होता है एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम, एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कि जब टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर का हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो जब टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं दे रखा तो रिलैक्सेशन टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू इज इक्वल, दोनों बराबर होंगे। फोर्थ, रेजिस्टिविटी एट वन एंड रेजिस्टिविटी एट टू, क्या होगा इनके बीच में रिलेशन, क्या वो ग्रेटर देन होगा, इक्वल्स टू होगा या फिर लेस देन होगा। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिग्मा और रेजिस्टिविटी हमारे पास, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जब हमारे पास कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो रेजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेजिस्टिविटी एट वन इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट टू। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ, करंट डेंसिटी जे वन एंड जे टू, करंट डेंसिटी एट वन एंड करंट डेंसिटी एट टू में क्या रिलेशन होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए अगर आपको आता है तो। ओके, तो जे इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो हम जानते हैं कि आई तो हमारे पास दोनों सूरतों में सेम है, पर एरिया हमारे पास पहली सूरत में कम है, एरिया कम है तो जे हमारे पास ज़्यादा होगा। तो जे वन इज ग्रेटर देन जे टू, जे वन इज ग्रेटर देन जे टू। सिक्स्थ की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ हमारे पास है इवन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू में क्या रिलेशन होगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, ट्राई कीजिए। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं इसका रिलेशन क्या होता है, जे इज इक्वल टू ई सिग्मा, जे ई सिग्मा। तो सिग्मा तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो जैसे हमारे पास, तो जे प्रोपोर्शनल टू ई हो गया, तो जैसे हमारे पास जे वेरी करेगा वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। तो ऑब्वियसली ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। ओके, थैंक यू।